आदि पंचजन्य का शंकर का नाम पांचजन्य पंचमुखी महादेव कहा जाता है। और पांच मुख ब्रह्मा के भी कहे जाते हैं। और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो ये पांचजन्य मुख से जो कनेक्टेड किया गया है वो कौन से समय का गायन हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है। जो पांच आत्माएं विष्णु रूप धारण करती हैं, भक्ति मार्ग में भगवान का साकार रूप माना जाता है। और ये शंख का नाम है। शंख किसे कहा जाता है? मुख को शंख कहा जाता है। शंख ध्वनि निकलती है। तो भगवान के मुख से जो शंख ध्वनि निकलती है वो पांच पांडवों के कान में पड़ती है। खास करके खास उस मुख की आवाज पांच पांडव सुनते हैं और उनके फॉलोअर्स भी सुनते हैं। परंतु आम रूप से वो आवाज सारी दुनिया के सभी धर्म की आत्माएं सुनती हैं, भले सन्मुख होकर नहीं सुनती हैं, परंतु कोई न कोई मीडिया से सुनती है। तो वो भगवान का मुख ही है जिसका नाम पांचजन्य रखा है। और विदेशी लोग मंच में आते हैं फिर भी उनका आयु जरा लंबा रहता है। जैसे चाइना में 100 साल के ऊपर भी आदमी रहते हैं जो विकास में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी आयु ज्यादा है। और भारतवासी जो भगवान को पहचानते हैं, विकास में भी नहीं जाते हैं, उनका आयु कम होता है। भारतवासी पुराने हैं या विदेशी पुराने हैं? पुराने जो हैं, पुराने मकानों की उम्र ज्यादा रहेगी या नए मकानों की उम्र ज्यादा रहेगी? यही राज है। जो पुरानी आत्माएं हैं उन्होंने ज्यादा सुख भोग लिया है, तो कमजोर होनी चाहिए। और नई आत्माएं जो हैं उन्होंने उतना सुख भी नहीं भोगा है। सुख भोगने से, क्योंकि सुख तो इंद्रियों से ही भोगे जाते हैं, चाहे वो इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो। तो सुख भोगने से आत्मा की शक्ति कला क्षीण होती है। तो जो नई आत्माएं उतरती हैं परमधाम से विदेशियों की, उन्होंने उतना सुख नहीं भोगा है, इसलिए उनकी आयु लंबी होती है। और भारतवासियों की आयु कम हो गई है। हाँ, अवित्रता के कारण तो आयु बढ़ी चली। जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, उनमें पवित्रता की पावर ज्यादा होती है। जो अभी लास्ट में उतर रही हैं, या जो पुरानी आत्माएं हैं, उनमें पवित्रता की शक्ति ज्यादा है। हैं? जो ऊपर से नई नई आत्माएं उतर रही हैं, भगवान के धाम से उतर रही हैं, उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा है। और भारतवासियों में प्योरिटी की पावर कम हो गई है। भले आज में ज्यादा थी, सारी दुनिया के मुकाबले भारतवासी जास्ती पवित्र थे, क्योंकि भारत में भगवान आता है, विदेशों में नहीं आता है। इसलिए भारतवासियों ने पहले पहचाना। और स्कूल है शिवबाबा का ना, मेरू है युगल मण का, लक्ष्मी और नारायण। और मेरू में भी जो दो दाने युगल मणके के रूप में दिखाए जाते हैं, उन युगल मणकों में ऊपर का दाना कौन सा है? कौन है? है? लक्ष्मी है या नारायण है? लक्ष्मी है। ऊपर का दाना है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। और नीचे का दाना है पूरे डायरेक्शन पर चलने वाला। तो वो भी बाप समान बन जाता है, इसलिए युगल है। और जो रुद्रमाला में फूल दिखाते हैं, विजयमाला में भी ऊपर फूल दिखाते हैं। वो फूल जो बहुत हल्की फुल्की स्टेज धारण करता है। कहते हैं ना, मन भारी हो गया। तो कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, ज्ञान के फोर्स से हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति का मुकाबला कर लेता है। योग बल से बाप समान स्थिति को धारण कर लेता है, इसलिए हल्का रहता है। तो राम वाली आत्मा ही है जिसके लिए अंत समय का गायन है। राम नाम सत्य है। सत्य है, जो सच्चा है वो हल्का फुल्का रहता है। जो जितना झूठा होता है उतना भारी हो जाता है। हाँ हाँ जी, जब तक पूरा भ्रष्ट नहीं बनते हैं तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। पूरा भ्रष्ट नहीं बनते हैं तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। माना अभी पूरा भ्रष्ट बनना बाकी की है या भ्रष्ट बन चुकी है? कलयुग के अंत में पूरे भ्रष्ट बनते हैं और सतयुग के आदि में पूरे श्रेष्ठ बनते हैं। तो अभी क्या समझा जाए कि हम भ्रष्ट बन चुके हैं, अब हमें श्रेष्ठ बनना है क्योंकि भगवान बाप मिल चुका है। या ये समझें कि अभी भ्रष्ट बनना है क्योंकि बाप अभी हमें नहीं मिला है। शार्ट में, संक्षेप में कहें, निश्चय बुद्धि है तो विजयी है और अनिश्चय बुद्धि है तो पतन में जा रहे। इसलिए गायन क्या है? निश्चय बुद्धि विजय थे। जवाब मिला? भगवान के बच्चे भ्रष्ट और श्रेष्ठ नंबरवार नहीं है। भगवान के बच्चे सारी दुनिया है या नहीं है? और वो नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। तो नंबरवार में कोई अव्वल नंबर श्रेष्ठ भी होगा। जो अव्वल नंबर श्रेष्ठ होगा वो अनिश्चय में आता होगा, है? आता होगा। अरे जो अव्वल नंबर होगा, जिसके लिए गायन है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, वो अनिश्चय में आता होगा। जो अनिश्चय में आते हैं उन्हीं के लिए ये बातें पैदा होती हैं। संशय बुद्धि विनश्यते। और आपका इष्टदेव है? हाँ हाँ। नरसप्पा का दिन दशहरे के दिन पूजा करते हैं, हाँ, है शिवलिंग की, हाँ। नरसप्पा नाम क्यों रखा? हाँ, नर माने क्या है? मनुष्य। और अप्पा माने क्या होता है? है बाप। अप्पा माने बाप और नरसप्पा माने ऐसा बाप जो नरों जैसा है। कैसा है? नरसा। तो नरों जैसा बाप कौन है? जो सबका बाप है। कौन है? प्रजापिता। और प्रजापिता में ही शिव आता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। वो प्रजापिता वाली आत्मा ही राम की आत्मा है जो रावण का हनन करती है, रावण के 10 सिरों का हनन करती है, हरण करती है। इसलिए दशहरे के दिन नरसप्पा की पूजा होती है। गांव कौन सा लगता है? गांव का नाम रायचूर है। राय कौन देते हैं? है राय देने वाले कौन हुए हैं? एक होते हैं राव, राव माने राजा, और एक होते हैं उनके राज्य में राय देने वाले मंत्री। मंत्री क्या करते हैं? राय देते हैं। तो जितने भी राय देने वाले हुए हैं उन सब की राय को चूर चूर कर देता है। कौन है? सबकी राय को काट देता है और नई राय दे देता है। उसकी यादगार में गांव का नाम पड़ा रायचूर, जहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं और दशहरा के दिन पूजा करते हैं। ठंड का पानी में बोध किसको लगाया जाता है? अभी बाबा समझाते हैं शिव बाबा तो अभोक्ता है, उनको भोग लगता नहीं। यह भोग लगता है संपूर्ण मम्मा बाबा को। भोग माना हद का या वेद का? आप वेद की बातें उठाते हैं या हद की बातें उठाते हैं? आप कौन से ब्राह्मण हैं? हद की बातें उठाने वाले या वेद की बातें उठाने वाले? तो काहे के लिए पूछते हैं? है लड्डू पेड़ा खाने की दिल होती है। और एक पॉइंट बाबा, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। हाँ बिल्कुल। सरस्वती है ब्रह्मा वंशावली है, यह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ये तो बेटी है, ब्रह्मा की बेटी है। तो जगदम्बा क्यों कहते हैं? उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? ये तो जगदम्बा नहीं है, क्योंकि यह युगल है ना। क्योंकि यह युगल है ना, इससे भी आती है। कौन है युगल? हाँ ऐसे समझ रहे हैं, वो तो उनकी बेटी है, युगल कहाँ है? फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह युगल है ना। यह जिनकी तरफ इशारा करते हैं वो कौन होते हैं? क्योंकि यह युगल है ना, कौन है? हाँ, लेकिन इशारा ये है कि किसकी तरफ करते हैं? किसकी तरफ करते हैं? या तो ब्रह्मा की तरफ इशारा करते हैं तब यह कहते हैं, या तो लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते हैं तब कहते हैं यह। तो जो लक्ष्मी है वो ही वास्तव में असली जगदम्बा है। क्यों? जगदम्बा माने क्या? सारे जगत में जितने भी देश हैं और जो भी देश वाले हैं, उन देशों में जो भी धर्म वाले हैं, सबकी अम्बा। और ये जो देश देशांतर निकले हैं वो पुराने हैं या भारत देश पुराना है? तो विदेशों की भी अम्बा कौन हुआ? है? अरे दादी अम्मा पुरानी होती है या अम्मा पुरानी होती है? तो विदेशों की भी अम्बा कौन? जगदम्बा। इसलिए भक्ति मार्ग में रामायण में आया है, जब सीता ने पार्वती की पूजा की है, जग जननी जय जय, जग जननी जय जय। तो पार्वती भी क्या है? जगत की जननी है, इसलिए बोला। आया समझ में? दो गीताएं हैं, एक है सच्ची गीता और दूसरी है झूठी गीता। तो माताएं भी दो हैं, एक जगजननी जगत माता और एक भारत माता। सच्ची कौन बनती है और झूठी कौन बनती है? है भारत माता सच्ची है, और जब जगत माता बनती है तो जगत माता के बच्चे भी झूठे होते हैं या सच्चे होते हैं? झूठे होते हैं। काय के अंदर? पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर अग्नि रूप लावा है, उस लावे में सब प्रकार के जितने भी मेटल हैं वो सब आग जैसे पिघलते रहते हैं। हाँ जी, अभी भी एक जगह ऐसा जगह है भारत देश में जहाँ वो अग्नि जलते रहता है, माने लावा निकलता रहता है। हाँ, तो समुद्र के अंदर अग्नि भरी, वो पृथ्वी के अंदर अग्नि भरी हुई है तो कोई न कोई स्थान से फूट के निकलती है ना। जब फूट के निकलती है तो वही ज्वालामुखी बन जाता है, और वो ज्वालामुखी जब शांत होते हैं तो पहाड़ बन जाते हैं। किसी को ज्यादा दुख दिया जाएगा और वो दुख अंदर ही अंदर घुमड़ता रहेगा तो ज्वालामुखी रूप धारण करेगा कि नहीं करेगा? है, करेगा। तो ऐसे ही ये पृथ्वी माता है, ये माताएं बहुत दुख सहन करती हैं, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। वो घुटन कभी न कभी तो टाइम आने पर बाहर निकलती है। एक टाइम ऐसा आता है 5000 वर्ष के टाइम पर, जबकि अर्ध विनाश होता है। सत्य और असत्य का बैलेंस टूट जाता है। और आधा विनाश होता है। देवताओं की दुनिया खलास होती है और दैत्यों की दुनिया आ जाती है। देवताओं का वर्चस्व खत्म हो जाता है और दैत्यों का वर्चस्व आ जाता है। उस समय आधी दुनिया डावाडोल हो जाती है। बैलेंस बिगड़ने से आधा विनाश हो जाता है, क्योंकि वहां भगवान नहीं आता है, सिर्फ देवताओं का विघटन होता है। और कलयुग के अंत में संगम युग में कौन आता है? भगवान आता है, जबकि देवताओं की दुनिया और दैत्यों की दुनिया दोनों का खात्मा हो जाता है, संपूर्ण विनाश। तब टोटल नई दुनिया की स्थापना होती है। टोटल विनाश तो टोटल स्थापना। आखिरी जो अंदर आग जल रही है धरणी माता के अंदर जो आग जल रही है, आग ही आग है, वो आग पूरी शांत कब होती है? कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं तब ही वो आग शांत होती है। बड़ी आग होती है तो बड़ा पानी चाहिए, छोटी आग है तो थोड़ा पानी चाहिए। तो भगवान आता है तो भगवान तो ज्ञान का सागर है, उस सागर में तो अथाह जल है। उस जल से सारी आग शांत हो जाती है। और पुरुष तन में ज्ञान बोल सकते हैं, पुरुष तन में ज्ञान बोल सकते हैं, स्त्री तन में ज्ञान नहीं बोल सकते। इसका कारण क्या? नहीं बोल सकते हैं, बाबा आते हैं ना, पुरुष तन में पूरा ज्ञान बोल सकते हैं। वाणी के रूप में, वाक देवी के रूप में स्त्री पूजी जाती है या पुरुष पूजा जाता है? जिसे वाक देवी कहा जाता है, वाणी की देवी, वो स्त्री चोला पूजा जाता है या पुरुष पूजा जाता है? है, स्त्री पूजी जाती है। और स्त्री अपने आप घूमती रहती है, अपने आप घूमती रहती है। कौन? पृथ्वी। इसके कारण से जीर्ण उदास होता है। अभी जीर्ण उदास पृथ्वी घूमने से होता है, लेकिन सतयुग में दिन ही सोच रहा है, वो कैसे हो सकती है? आज की दुनिया में पृथ्वी में एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ दिन में भी सोच रहा होता है और रात के टाइम पर भी सोच रहा होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आज की दुनिया में कैसे होता है? ऐसे होता है कि ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, समझा? पृथ्वी की धुरी ऐसे टेढ़ी है, ऐसी ऐसी नहीं है, ऐसी है। तो जब पृथ्वी ऐसे आएगी तो ये हिस्सा दूर हो जाता है, समझे? इसलिए यहाँ रात रहती है और यही हिस्सा घूम करके जब इधर आता है तो हिस्सा नजदीक हो जाता है। तो यहाँ दिन ही दिन होता है, ऐसा समझे? और यहाँ 6 महीने की रात हो जाती है, तो वहाँ नहीं हो सकता। सतयुग में जब यहाँ इस दुनिया में 6 महीने का दिन हो सकता है, 6 महीने की रात हो सकती है, तो क्या ऐसा टाइम पृथ्वी पर नहीं आ सकता है जहाँ आधा कल्प, जैसे वहाँ आधा वर्ष दिन ही दिन रहता है, ऐसे ही दिन बना रहे? हो सकता है। और राज करेगा खालसा, इसका क्या मतलब है? जो पवित्र आत्मा है कीचड़ की दुनिया में भी रह करके अपनी मन बुद्धि को पवित्र रख सकती है, कमल फूल के समान पवित्र बुद्धि बनकर रहती है, वो आत्मा एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी दुनिया पर राज्य करेगी। तो बताओ, अभी वर्तमान में दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं, उन सब धर्म वालों के बीच में कौन सी संस्था है जो सारे भारत में छा गई है? है ब्रह्मा कुमारियां। ये ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक का ज्ञान है, गहरा ज्ञान है या उथला ज्ञान है? ऊपर ऊपर का ज्ञान है कि गहरा अंदरूनी ज्ञान है? ऊपर ऊपर का ज्ञान है। तो जिनमें बच्चा बुद्धि का ईश्वरीय ज्ञान है वो भी सारे भारत में छा गई। तो जब एडवांस ज्ञान वाली शक्तियां मैदान में आएंगी, जिनके लिए बाबा का विरुद्ध है कि बाबा कन्याओं माताओं का मान मर्तबा बढ़ाने आया है, तो राज करेगा खालसा ये बात सच्ची होगी या नहीं होगी? है? अरे जो प्रश्न पूछ रहे हो तो बताओ, है? सच्ची बात साबित होगी। तो जब सारे भारत में नाम वाला होगा राज करेगा खालसा और सारी दुनिया में नाम वाला होगा जगदम्बा का, तो देवियों की पूजा ज्यादा होगी या देवताओं की पूजा ज्यादा होगी? है? देवियों की पूजा का नाम वाला हो जाएगा और भगवान बाप गुप्त हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा? है? गुप्त हो जाएगा। जय माता दी ये शूटिंग हो जाएगी और बाप का नाम भूल जाएगा। फिर लास्ट टाइम पर आखिरी डूबी जा किसकी होती है? है? देवियों की डूबी जा होती है, गणेश की डूबी जा होती है, और भगवान बाप जो एक सच्चा है वो अंत में प्रत्यक्ष होता है। छुपा रुस्तम क्या गायन है? बाद में खुले। तो सब कुछ किया किसने है? कन्याओं माताओं का नाम बाला किसने किया? नाम बाला करने वाला प्रैक्टिकल में भी करता है कि सिर्फ निराकार में परमधाम में बैठ के करता है? प्रैक्टिकल में करता है, लेकिन लक्ष्य उसका यही है कि जिसका नाम दुनिया वालों ने नीचे गिरा दिया, उन्हीं कन्याओं माताओं का नाम बाप आकर संसार में ऊंचा कर देते। और देवियों के अंदर भी सांप दिखाया गया, देवियों के अंदर भी पांच सांप जैसे के गले में पांच सांप, वैसे देवियों के अंदर भी सांप लक्ष्मी को दिखाते हैं। अरे लक्ष्मी को दिखाते हैं, लक्ष्मी देवी नहीं है, है देवी है। सांप विष्णु को दिखाते हैं, शंकर को दिखाते हैं, लेकिन लक्ष्मी को नहीं दिखाते। विष्णु को इसलिए दिखाते हैं कि वो सांप उसकी रक्षा करते हैं, वो सांपों के ऊपर सैया बना के रहता है, विजयी की स्टेज है। और शंकर को तो याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, पुरुषार्थी जीवन है या पुरुषार्थ पूरा हो चुका है? पुरुषार्थी जीवन है। तो जहाँ पुरुषार्थी जीवन होता है वहाँ पांच विकार आकर के चिपकते हैं और अपना असर दिखाते हैं। फिर भी जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उनकी ये निशानी है कि जितनी ही तीव्र गति से माया का आक्रमण होगा, विकारों का आक्रमण होगा, उतनी ही तीव्र गति से उनका पुरुषार्थ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। वो हताश नहीं होते हैं, वो स्टेज शंकर की दिखाई जाती है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का विषय है। बाप बताते रहे तो छोटी माँ को, छोटी माँ धारण करती थी, धारण करते भी बाबा को बताई। वो जी के मामा भी ज्ञान में टीका जाती थी, उस्ताद में जाती थी। उनको ब्रह्मा बाबा मुरली पढ़ते रहे, सुनते रहे, समझ सके नहीं। वहाँ उनको धारणाओं को लाजा कैसा नाम बताए, बच्चा बुद्धि वाले। ब्रह्मा बाबा ने मुरली की कौन सी धारणाएं तोड़ दी? एक धारणा का तो नाम बताया जाए। भगवान है गीता का, भगवान मैं खुद मैं, ये ज्ञान की बात है, इसे धारणा नहीं कहेंगे। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा नहीं, बच्चा बुद्धि होने के कारण। बाकी धारणाएं कौन सी हैं जो उन्होंने नई धारण की? खान पान की धारणा, पहनने ओढ़ने की धारणा, या भोग भोगने की धारणा। ऐसी कौन सी धारणा है जो उन्होंने अपने जीवन में धारण नहीं की? या धारणा के आधार पर बच्चों ने उनको पकड़ लिया। बताओ है, उन्होंने सब धारणाओं का जो राजा है, सब गुणों का जो राजा है, उस गुणों के राजा सहन शक्ति को धारण किया या नहीं किया? उनसे ज्यादा ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा का नाम बताओ जिसने इतना सहन शक्ति को धारण किया हो। बताओ है? हैं? ब्रह्मा बाबा सहन शक्ति का राजा है। तो नियम ये है जो यहाँ सबसे ज्यादा सहन करता है वो वहाँ सबको सहन कराने का निमित्त बन जाएगा और सारी दुनिया को सहन कराना इसका पार्ट है? अरे भक्ति मार्ग में नाम बताओ, भक्ति मार्ग में कौन सा पार्ट है जो सबको सहन कराता है? धर्मराज। तो गलत पार्ट है क्या? जब प्रैक्टिकल जीवन में उस आत्मा ने सबका सहन किया, किसी को सहन कराया नहीं, अपने द्वारा किसी को दुख नहीं दिया, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहता देखा गया कि बाबा ने हमको दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रिय से कोई भी प्रकार से दुख दिया। तो जब उन्होंने कभी किसी को दुख ही नहीं दिया, दुख ले लिया लेकिन दिया नहीं। बच्चों ने ऐसे ऐसे काम किए कि सारी संस्था को अपनी मुट्ठी में ले लिया, फिर भी बाबा ने उस बच्चे से भी एक शब्द भी दुर्व्यवहार का नहीं बोला। तो ऐसी आत्मा अपना हिसाब किताब पूरा करेगी या नहीं करेगी? सब बच्चों ने उसे दुख तो दिया। जैसे माँ के 10 बच्चे होते हैं तो सब दुख देते हैं कि नहीं देते हैं? कि कोई सुख देता है? अरे कोई बच्चा सुख देता है? सब दुख देते हैं। ऐसे ही उस ब्रह्मा माँ को सब बच्चों ने दुख दिया। उसने किसी को दुख नहीं दिया। तो हिसाब किताब कब पूरा करेगा? बच्चों का हिसाब किताब पूरा होगा या नहीं होगा? हैं? कब होगा? सतयुग में तो नहीं होगा, यही संगम युग में पूरा होगा। इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, जो धर्म के युद्ध में अर्थात धारणाओं के युद्ध में अव्वल नंबर गया, वो ही धर्मराज है। धर्म का राजा। और कुबेर का पुत्र नल कुबेर और मणिग्रहण यहाँ बेहद में कम है। एक कौन सी मुरली से और कौन सी अव्यक्तवाणी से निकाला? टीवी में से निकाला। मेरा नहीं है। अच्छा, हाथ झाड़ दिए। हाँ चलो। और और भगवान श्रवण के बाद अपने अंधे माँ बाप को कंधों पर बिठाकर तीर्थ स्थान ले जाते हैं। श्रवण कुमार पैदा पिता है ना, तो उनका माँ बाप बेहद बेकौन है। श्रवण कुमार को बेसिक में जन्म देने वाला कौन? है श्रवण कुमार ब्रह्मा कुमार था या नहीं था? है ब्रह्मा कुमार तो था, तो उनका बाप कौन था? है ब्रह्मा बाबा। और अम्मा कौन थी? जगदम्बा सरस्वती ओम राधे। वो दोनों पाठधारी दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती जगदम्बा, उन दोनों पाठधारियों ने भगवान बाप को पहचाना है? जानते थे या अज्ञान में थे? अज्ञान में थे। क्या प्रूफ? जबरदस्ती अज्ञान में थे है? हाँ, अगर वो अपन को छोटा बच्चा समझते होते और अपने बाप जो बड़ा है उस बाप को पहचाना होता तो संस्था का नाम अपने नाम के ऊपर नहीं रखते। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं रखते। ब्रह्मा कुमारी शब्द से पहले क्या जोड़ते? बाप का नाम जोड़ते। लेकिन वो जानते ही नहीं थे। तो नहीं जानते थे तो अज्ञान के अंधे थे या सोझरे थे? अंधे थे। उन अंधे माँ बाप को श्रवणन कुमार ने कौन सी टोकरी में रखा? है बुद्धि रूपी टोकरी में रखा, जिसे कांवड़ कहते हैं। इसको फॉलो करने वाले कांवड़िया कहे जाते हैं। बुद्धि रूपी टोकरी में धर के कंधे पर धारण किया, अर्थात उनकी जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर ले लिया और उन दोनों को तीर्थ यात्राएं कराई। तीर्थ माने क्या है? तीर्थ माना किनारा, ठिकाना। तो कौन सी तीर्थ यात्राएं कराई? है वही तीर्थ यात्राएं कराई जहां भगवान ने चरित्र किए हैं। भगवान कहाँ चरित्र करता है? जहां चरित्र करता है उस स्थान का नाम शास्त्रों में रखा गया मधुबन। जहां जहां मिनी मधुवन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो उन तीर्थ स्थानों पर बुद्धि रूपी टोकरी में डालने वाला श्रवण कुमार अपने माँ बाप की जिम्मेवारी को कंधे पर धारण कर लेता है और तीर्थ यात्रा कराता है। ओम।